दोस्तों हमारा ये डायमंड अपना सच में बीमार हो गया। ये देखिए यार, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू पेट्स ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पर आया हूँ दोस्तों हमारा खेत देखने के लिए। ये हमारा खेत है, वहां पर भी एक खेत है, ठीक है। तो मुझे दोस्तों मैं तब बुला रहे और कह रहे हैं कि किसी का तोता भाग के वहां पर आ गए हैं। मतलब दोस्तों एक पालतू तोता ना किस से भाग गया और इधर आ गया। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वहां जाके। चलो चलो चलो, कहाँ है, जल्दी जाते हैं दोस्तों। अरे अरे क्या कर रहे हो, चलो चलो चलो। मैं तब दोस्तों काफी बदमाश है, यही बता लो। चलो चलो जल्दी करो। उस तोते का फर भी दोस्तों कटा हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कहा है। बच्चे लोग ना पकड़ने की काफी कोशिश की बट पकड़ नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फार भी है, सो वो थोड़ा थोड़ा फ्लाई भी कर सकते हैं। चले जाते हैं। वो देखिए वो आवाज निकल रहे। मैं दोस्तों पैरट को बुला रहा हूँ। अरे देखने को मिला, वहां पर है वो दोस्तों, इस आम के पेड़ में है। मैं आप लोगों को तोता को दोस्तों जूम करके देखने की कोशिश करूंगा। वो दोस्तों ये है, देख रहे ना, ये है दोस्तों तोता। मिठू, ये दोस्तों पहाड़ी तोता है, तो पता नहीं कौन पाल रहा था। वो देखिए दोस्तों प्लेन भी जा रहे, देख रहे ना, ये देखिए जा रहे। हाँ आवाज कर रहे, देखिए ये भी दोस्तों बुला रहे, बट इसका कोई रिएक्शन नहीं है। इसको दोस्तों पकड़ना काफी मुश्किल है, पकड़ नहीं पाऊंगा, सो ट्राई करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए घर वापस जाते हैं। आ जाओ मैं सब, आ जाओ आ जाओ। तो मैं दोस्तों ऊपर का जाली लगा दिया, आप देख सकते हैं, और इस साइड का जाली भी लगा दिया और ये भी लगा दिया। ये दोस्तों बाकी है, बैक साइड में ना कोई जाली में नहीं लगाऊंगा, वॉल के साथ दोस्तों अटैच करूंगा, ठीक है। खर्चा जो है ना दोस्तों बहुत ही कम होगा, घर का ही रॉड है और ज्यादा खर्चा कम हुआ है। मुझे तो यार बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही कम खर्चा में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों रॉड के साथ जाली वगैरह फिट कर रहा हूँ, आपको देखिए। तो और एक दिन दोस्तों लग जाएगा ये कंप्लीट होने में, क्योंकि काफी सारा काम है दोस्तों इसके अंदर। मिस्त्री भी दोस्तों आ रहे, वॉल को ना ड्रिल करना होगा। ओके चलिए यहाँ पर जाली लगाते हैं। ये लोग दोस्तों इतना चिल्लाते हैं कि क्या ही बताऊं लोगों को, सभी का आप चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ है। हाँ इस रूम के अंदर दोस्तों हमारा सभी बर्ड है, देख सकते हैं सभी यहाँ पर है, जगह ही नहीं हो रहे है ना। अभी दोस्तों ढेर सारा काम बाकी है, तो मैं एक्चुअली रात के समय करूंगा, ठीक है। अभी दूसरा पेट्स भी आप लोगों को दिखाते हैं, काफी समय लगता है दोस्तों। थोड़ी देर बाद दोस्तों इन सभी को ना खाने के लिए दिया जाएगा, सभी को भूख लगा है। थोड़ा थोड़ा कंगी है, वो देखिए खार है। तो आज मैं क्या किया, बहुत सारे अंडे दोस्तों खरीदा, मुर्गी के अंडे, डक्स के अंडे, एक्चुअली हैचिंग करना है। आप सभी को पता है हमारे पास इंक्यूबेटर है, तो उस इंक्यूबेटर का दोस्तों ठीक करना होगा। ठीक करने के बाद मुर्गी के अंडे, डक्स के अंडे और हमारे घर में जो सुल्की मुर्गी है ना, उन लोगों ने भी ढेर सारे अंडे दिए हैं, उन अंडे को दोस्तों हैचिंग करूंगा। तकरीबन 20 दिनों के बाद हमारे पास दोस्तों ढेर सारा सूजा हो जाएगा, तब दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो हमारा ब्लैक कलर की ब्राह्मण मुर्गी है ना दोस्तों, ये अंडे नहीं देती है यार, बट जो व्हाइट कलर की है ना दोस्तों, वो बहुत दिनों से अंडे दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये दोनों जीवन भर सिर्फ नेस्टिंग करेगा, कभी अंडे नहीं देगी, ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि दोस्तों 2 महीने से सिर्फ नेस्टिंग ही कर रही है। क्या कर रहे हैं भाई, हाँ क्या कर रहे हैं। आई थिंक दोस्तों ब्रीडिंग के मूड में है, तो देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। ये लोग दोस्तों खाना खा रहे, ये लोग क्या कर रहे, ये लोग भी दोस्तों खाना खा रहे। इसके अंदर है दोस्तों हमारा सिल्की मुर्गी के बच्चे, ये देखिए देख रहे ना, और गिनी फॉल के बच्चे भी है, लोकल मुर्गी के बच्चे भी है, और उस रूम के अंदर दोस्तों डकलिंग है, मुर्गी के बच्चे है। भाई वैसे डॉग आया था ना दोस्तों, वो भाग गया यार, आज सुबह से ना एक बार भी दोस्तों देखने को नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गया है। आई थिंक वो जहाँ से आया है वहाँ पर ही दोस्तों वापस चला गया, क्या हुआ है, भूख लगा है। इन सभी को मैं दोस्तों थोड़ी देर पहले खाने के लिए दिया था, इधर हमारा रैबिट भी खा रहे। यहाँ पर दोस्तों मेल है, ओके, बट हमारा एंजल बच्चे नहीं दे रही है, पता नहीं दोस्तों क्या रीजन है। ये दोस्तों लेयर फीड जो हमारा मुर्गी के लिए है,
टी 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 सभी इस तरह बजाओ। आ जाओ इस तरफ जी खालो। हाँ, एक करके दोस्तों सभी आ रहे। टी 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 बाकी कहाँ गए यार। टी 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 हाँ, फेंकना मत यार। ये जो मिल दे रहे ना हमारा पिंकी, वो दोस्तों फूड को ना काफी जाया करते हैं। ये अंडे क्यों नहीं दे रही है? ये भी दोस्तों मुर्गी है बट अंडे नहीं दे रही है। हमारा क्यूटी दोस्तों रोज रोज अंडे देती है। ओरिया उस तरफ क्या काम था? हाँ, ये दोस्तों ओरियो की तरह पूरा दिन घूमता रहता है ना। हेलो घूमो दोस्तों। हमारा ये डायमंड अपना सच में बीमार हो गया। देखिए यार, पता नहीं क्या हुआ है इसको। और इधर क्या हुआ है पता है? वो जो बच्चे है ना दोस्तों, उस बच्चे को ये बाकी दो मेल फीमेल फ्री नहीं करवाती है यार। मैं इस बच्चे को दोस्तों आज तक टच नहीं किया बट पता नहीं क्यों खाना नहीं खिला रही है। और इसका हालत है कि दोस्तों मुझे ना बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या करो क्या ना करो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। और मर गया क्या? अभी तक दोस्तों जिंदा है। मेरा ये हाल दोस्तों कोई बेड डॉक्टर भी नहीं है यार। बहुत ही अफसोस की बात है। इसको ना लाइट के पास ही रखता हूँ, ठीक है? चलो 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 इस रूम के अंदर रखता हूँ। कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। ओके, उस बच्चे को दोस्तों हैंड फीडिंग करवाना होगा। वो देखिए कैसा कर रहे। उस बच्चे को ना जोर से भूख लगा है यार। अरवाना को भी दोस्तों भूख लगा है। खाने के लिए स्मॉल फिश देना होगा। ये देखिए यहाँ पर घूम रही है। रुको रुको खाना मिलेगा, वाइट करो। क्या हुआ है? काफी डर है देखिए। रुको रुको यार डरना मत। अरे क्या हुआ है? हमारा पोलर पैरेट को भी दोस्तों खाने के लिए फीड देना होगा। इनको भूख लगा है। रुको रुको खाना मिलेगा। कारण चला गया। इस तरह बजाओ ये खाओ। इतना ही काफी है। हेलो 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 सभी आ जाओ। फाउंटेन का जो पानी है ना तो वो काफी गंदा हो गया है। सब करना होगा यार, बहुत ज्यादा गंदा हो गया है ना। फिश देखने को ही नहीं मिलते हैं। खाओ खाओ खाओ। ओके ये लोग खा रहे। अब मुझे दोस्तों मोली को देना होगा। मैं दोस्तों इसी तरह और भी ढेर सारा फिश का सेटअप बनाऊंगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक दोस्तों बच्ची नहीं दी। पता नहीं दोस्तों कब बच्ची देगी। चलिए खाने के लिए देते हैं। ये खाओ। चार की रेस तो इतना ही काफी है। आ जाओ खाना खा लो। चारों दोस्तों एक साथ है देखिए। खाओ खाना खाओ। चील आया है और हमारा सभी मुर्गी दोस्तों काफी डर रही है। डरना मत यार, वो कुछ नहीं कहेगी। ओके बर्ड्स का घर तो बना लिया। अब दोस्तों मैं रैबिट्स के लिए ना एक बहुत ही क्यूट सा घर बनाऊंगा। हमारा रोजी दोस्तों वहां पर ग्रास वगैरह खा रही है तो उसको शाम होने से पहले ही घर लाना होगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करता हूं सभी को पसंद आया है। पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हुआ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुशी रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहे। बाय बाय।